जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसका फैक्टर्स क्या होता है? इसका फैक्टर क्या होता है? एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस सिक्स। तो आपको कैसे पता चलेगा ये इसका फैक्टर है? विदाउट फैक्टर है, मैं फैक्टर नहीं करना चाहता हूँ, बट कैसे पता चलेगा कि ये इसका फैक्टर है? सर अगर वो वैल्यू को डालने के बाद सैटिस्फाई जीरो होगा। आता है तो वो फैक्टर होगा। यस, एक्स इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स इक्वल टू सिक्स भी इसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। ठीक है, सपोज इट इज टू 14 और 12 होता तो आपका आंसर क्या होता? 2x² माइनस 14x प्लस 12। क्या लिखोगे? 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है ना, सपोज ये 2 के जगह k होता, देन हाउ टू फाइंड आउट k वैल्यू? इसके जगह k होगा तो हाउ टू फाइंड आउट k वैल्यू? सर जो RHS में जो एक्सप्रेशन है उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो। नहीं, वो डिवाइड डिवाइड नहीं करना है सर मुझे, ओपन करके कंपेयर करेंगे। वो नहीं करना है। ओपन तो करोगे तो फिर होगा, ये छोटा है ना इसलिए आप ओपन कर दोगे। मतलब तो ये सपोज जैसे 10 फैक्टर्स होता फिर ओपन नहीं कर पाओगे ना, तो कैसे पता चलेगा? के का वैल्यू कैसे पता चलेगा? आप एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू डालो बट 1 6 मत डालो। ठीक है, एक्स की जगह कोई भी वैल्यू डालो, 1 और 6 मत डालो। सपोज एक्स की जगह मैंने 0 डाल दिया तो क्या मिलेगा? 12 12 इक्वल टू के इंटू माइनस वन इंटू माइनस माइनस, सिक्स तो के का वैल्यू क्या हुआ? के टू टू के जगह मतलब एक्स के जगह सपोज 3 डाल दो कि 2 डाल दो तो क्या होगा? 8 माइनस 28 प्लस 12। 8 माइनस 28 प्लस 12 मतलब -8 यस इक्वल टू के, 2 डालेंगे तो वन इंटू माइनस वन माइनस इंटू -6, सॉरी 1 इंटू माइनस 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 फोर तो फोर के का वैल्यू क्या मिला? टू। टू आ जाना। तो यही कंसेप्ट हम उधर यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इतना और इजी नहीं हो रहा है, तो मैंने इसलिए इसको उस दिन नहीं डाला क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, तो यूज दिस कॉन्सेप्ट देयर क्योंकि क्वेश्चन प्रूफ दैट था। ओके, वो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन वाज -2a ए प्लस बी ए प्लस सी देन बी प्लस ए -2b बी प्लस सी सी प्लस ए सी प्लस बी -2c। इसको मुझे प्रूव करना है 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? ये साइड में मैं 0 बनाऊंगा तो ये साइड में 0 हो जाना चाहिए, राइट साइड को आप 0 बनाओगे लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना, हाँ सर। हाँ सर। तब जाकर बोलोगे कि लेफ्ट राइट इक्वल हो रहा है। तो लेट
ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। जैसे हम इसको जीरो बना के एक्स इक्वल टू वन निकाले, ऐसे ए प्लस बी को जीरो बना दिया तो ए इज इक्वल टू माइनस बी, रिप्लेस ए इज इक्वल टू माइनस बी और बी इक्वल टू माइनस ए, बी की जगह माइनस ए डाल दो तो चेक करो आपका डिटरमिनेंट जीरो हो जाना चाहिए। कितना होगा? माइनस टू ए, ये जीरो हो जाएगा, ये ए प्लस सी एज इट इज रखो, बी प्लस ए क्या होगा? जीरो होगा, माइनस टू ए होगा, ठीक है ना। बी प्लस सी कितना होगा? आप यू कैन राइट ए माइनस सी, नहीं सी माइनस ए, देन सी प्लस ए, सी प्लस बी, सी प्लस बी की जगह क्या लिखोगे? सी माइनस ए माइनस टू सी। सर प्लस टू ही होगा ना? हाँ हाँ प्लस टू, करेक्ट प्लस टू होगा। तो इसका डिटरमिनेंट चेक करो, ये जीरो हो जाना चाहिए, जीरो नहीं होगा तो फिर आपका वो फैक्टर कभी नहीं होगा। कितना आ रहा है इसको? तो ज्यादा कुछ क्या करोगे? ऐसे एक्सपेंड कर दो क्योंकि छोटा हो गया, मतलब ये कितना मिला? माइनस टू ए इंटू माइनस फोर ए सी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, करेक्ट? नो, माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। Yes. Then, ये होगा ए प्लस सी इंटू ये जीरो, देन माइनस टू ए इंटू ए प्लस सी, है ना। अच्छा, इसमें माइनस कॉमन रखेंगे तो क्या होगा? टू ए इंटू ये होगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस फोर ए सी, इज व्हाट? A plus C का होल स्क्वायर। और ये आपका क्या है? माइनस टू इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर। राइट, कंसिडर जीरो मिला। ठीक है ना। सिमिलरली आप बी प्लस सी भी चेक कर सकते हो क्योंकि ये तो सिमेट्रिकली ये है, डिटरमिनेंट दिया गया, तो आपको बी प्लस सी चेक करोगे तो जीरो मिलेगा, सी प्लस सी चेक करोगे तो जीरो मिलेगा। अच्छा, इसका डिग्री कितना हो रहा है? हाई डिग्री कितना होगा? इसको एक्सपांड करूंगा तो इसका हाई, मेरा हाई डिग्री क्या होगा, मतलब एबीसी के हिसाब से? थ्री होगा। थ्री होगा ना? हाँ सर, ए इंटू बी इंटू सी, है ना। हाँ सर, ये तो फंक्शन ऑफ एक्स नहीं कि हम डिग्री बताएंगे, एबीसी का पावर कितना होगा? थ्री होगा। वन 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 होगा तो मैक्सिमम थ्री होगा, तो कितना फैक्टर्स हो सकता है? थ्री फैक्टर्स, ऐसा नहीं कि आप जो फोर फाइव सिक्स फैक्टर्स ऐसा कुछ मिलेगा, तो थ्री फैक्टर्स आपको मिला। सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली b plus c equal to 0 implies determinant equal to 0, c plus a equal to 0 implies determinant equal to 0. अब हम क्या लिख सकते हैं? Now total, मतलब determinant, this determinant you can write what? वो नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपको पता नहीं, बट ये पता चल गया कि ऐसे तीन फैक्टर मुझे आ रहा है। ठीक है, नाउ यू कैन राइट दिस डिटरमिनेंट एज सम कांस्टेंट, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के लिए आपका तो थ्री फैक्टर्स मिल चुका है ऑलरेडी, और कुछ ज्यादा फैक्टर नहीं मिलेगा, जो कुछ होगा कांस्टेंट के साथ एडजस्ट होगा। ठीक है, नाउ हाउ टू गेट दिस कांस्टेंट वैल्यू? आप ए बी सी के लिए कोई भी वैल्यू चूज करो आज यू लाइक,
बट कभी ए प्लस बी जीरो नहीं होना चाहिए, बी प्लस सी जीरो होना नहीं चाहिए, सी प्लस ए जीरो नहीं होना चाहिए। सर सपोज ये जीरो हो जाएगा, वन रख देते। हाँ जो भी आप रखो, जो आपका मर्जी जो भी रखो, बट ये तीनों फैक्टर कहीं जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो फिर आप लामडा को डिटरमिन कर नहीं पाओगे, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों साइड जीरो हो जाएगा तो लामडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक जगह वन ले जाता हूँ, तीनों को वन रखना है, आपका मर्जी। मैं सी को जीरो भी ले सकता, चलेगा? आप दो जीरो रख नहीं पाओगे। ठीक है, ए को वन, बी को वन, सी को जीरो रख दिया, तो क्या होगा? लेफ्ट साइड माइनस टू प्लस टू, वन टू माइनस टू वन, देन सी प्लस ए वन, सी प्लस बी वन, टू सी जीरो इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना? ए प्लस बी मतलब टू, बी प्लस सी वन, सी प्लस ए वन, करेक्ट? जो हाँ भी यूज सर, करेंगे ना, बोथ साइड से यूज करेंगे। ठीक है, तो चेंज करता हूँ, रो वन चेंजेस रो वन प्लस रो टू, तो क्या मिलेगा? जीरो जीरो टू, टू माइनस टू वन, वन वन जीरो इज इक्वल टू टू लंबा। आंसर क्या मिला ए साइड में? टू प्लस टू, फोर इंटू टू एट, दैट इंप्लाइज एट इक्वल टू टू लंबा। लंबा का वैल्यू क्या होगा? आ गया, अब लामड़ा की जगह फोर डाल सकते हो, हाँ सर। हो गया प्रूफ। ये एक अल्टरनेटिव मेथड मैंने दिया है, जहाँ पे आप मतलब इनडायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं, ऐसे कर सकते हो, और ये एप्लीकेबल होगा जहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रूफ दैट दिया जाएगा। ये भी यूज होता है, बहुत यूज होता है। के का वैल्यू ज्यादा, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू यूज करना हाँ? चाहिए, कांस्टेंट का वैल्यू ढूंढना हो तो भी ऐसा मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई भी फंक्शन के लिए आपका कांस्टेंट वैल्यू, आप कुछ भी, सपोज एफ ऑफ एक्स दिया गया 2x² + 3x - 9 इज इक्वल टू ये, तो एक्स की जगह आप जो भी डालोगे तो दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा ना। एफ ऑफ टू डालोगे तो इससे टू का वैल्यू डालना पड़ेगा, वही मैंने किया। कुछ भी एक्स की जगह डाल दो, सर समझा ऊपर ये करो ना। कंसेप्ट? हाँ हाँ सर, समझा। बोर्ड में आप यूज कर सकते हो, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, उनको सॉलिड मेथड चाहिए ना, तो जनरल नहीं करते।
एक्सक्यूज मी सर, सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था तो इसीलिए बस एक डाउट है कि इसमें हमने कैसे मतलब जो अपने ऊपर जो है रेड वाले पार्ट का जो है सर उसमें आपने एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2 कैसे लिया था? के वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ भी डालो, एक्स के जगह कुछ भी डालो, बट 1 6 मत डालो। 1 की 6 डालोगे तो क्या होगा, दोनों साइड 0 हो जाता है, तो के का वैल्यू आप डिफाइन कर नहीं पाओगे, डिटरमिन कर नहीं पाओगे। अदर देन 1 और 6 आप कुछ भी डालो तो के का वैल्यू आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने एक 0 रखा था, एक जगह 2 रखा था। बोथ द केसेस के वैल्यू बिकम 2। अच्छा, तो इसी प्रकार से हमने ये 48th क्वेश्चन में भी ऐसे a plus b is equal to 0 लिया है, ऐसे ही ना? हाँ। ओके सर, ओके सर। नहीं, a plus b 0 रखे, फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने a plus b, b plus c, c plus a यूज किया था। a plus b को 0 कर देंगे तो राइट साइड 0 हो रहा है, तो लेफ्ट साइड मुझे चेक करना था कि 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो 0 दे दिया। ऐसे 3 फैक्टर आपको मिल गया। बाकी हाउ टू फाइंड आउट 4 वैल्यू, इसके लिए एबीसी का कुछ भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर सकते हैं, आपका मर्जी, आप कुछ भी डालो चलेगा। बट ए प्लस भी आप ऐसा मत रखो, मतलब ए के जगह 2, बी के जगह -2, ऐसा मत लेना। इफ यू टेक ए 2 बी -2 तो देन ए प्लस भी 0 हो जाएगा, तो फिर आप इसका मतलब जो मैंने लैम्डा कंसीडर करके लिया था वो लैम्डा वैल्यू नहीं मिल पाएगा। एबीसी का वैल्यू मैंने कुछ चूज किया था, ए के जगह 1, बी के जगह 1, सी के जगह 0, आप कुछ भी ले सकते हो, बट इस आपका ये रहना चाहिए कि दिमाग में होना चाहिए कि कोई भी फैक्टर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके सर। हाँ, आप जो वैल्यू चूज कर रहे हो उसके लिए कोई भी फैक्टर 0 नहीं होना चाहिए, देन आपका मर्जी, आप कुछ भी ले लो। अगर हम लोगों ने 1 2 3 लिया तो भी चलता है, चलेगा, कुछ भी लो, आपको लैम्डा का वैल्यू फिक्स मिलेगा। अगर तीनों का वैल्यू सेम लिए तो चलेगा, 1 1 1 रखो चलेगा। ओके सर, ओके सर। स्क्रॉल डाउन, डन। और क्या बचा है इसमें? आफ्टर 58 के बाद डाउट्स। ओके, फिफ्टी एट तक हुआ है। हाँ, 58 लास्ट टाइम हुआ था। 59 से 64 तक क्या डाउट है? और कुछ डाउट है? Anything else? Sixty-two. So that determinant 0. 5 raised to 2x minus 5 raised to -2x. Okay.
सिमिलरली सिक्स एंड सेवन के ऊपर है। तो हो जाता है ना, मतलब ये सेवन में है। चेंज करो कलम थ्री, आज कलम थ्री प्लस कलम टू क्या होगा, इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, नहीं माइनस कर दो, माइनस कर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, कितना होगा, फोर ए बी है ना, हाँ सर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बीच फोर ए बी, मतलब ए ए की जगह फाइव टू दी पावर टू एक्स, बी की जगह क्या मिला फोर, इसका मतलब ये फोर होगा, ये फोर होगा, ये फोर होगा, फोर कम वन 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 वन, ये भी वन 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 जीरो, समझे कि नहीं, वन के के अच्छा वन टू एन माइनस वन, इट इज समेशन मतलब यू एन दिया गया, ओके ए के स्क्वायर प्लस के प्लस वन देन के स्क्वायर के के स्क्वायर प्लस के समेशन ऑफ यू एन एन इज इक्वल टू वन से लेके के, इट इज गिवन 72, तो के का वैल्यू कितना होगा, 8 हो जाएगा, इसका समेशन मतलब क्या होगा, इसका ही समेशन है ना, हाँ सर, तो समेशन ऑफ वन कितना होता है एन इक्वल टू वन टू के, समेशन ऑफ वन एन इज इक्वल टू वन से लेके के कितना होगा, के समेशन ऑफ टू एन वन टू के तक है ना, n into n plus 16 16 वो कहां से आता है, k into k plus 1 upon 2, ये 2k कहां से आ गया, क्या कर रहे हो, एन के जगह वन टू थ्री फोर अप टू के तक का सम, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू के का अप टू के का सम कितना होगा, के इंटू के प्लस वन बाय टू, तो टू टू कैंसल हो गया, बचा क्या,
टू के प्लस वन दैट इज के स्क्वायर प्लस वन के समेशन ऑफ टू एन माइनस वन के इज इक्वल टू वन से लेके एन कितना होगा के स्क्वायर सॉरी उल्टा किया एन इक्वल टू वन से लेके सम ऑफ फर्स्ट एन फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है एन स्क्वायर होता है इधर होगा के स्क्वायर हाँ सर देन के 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 स्क्वायर प्लस के प्लस वन के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस वन दिस इज द समेशन का डिटरमिनेंट चेंज योर कलम टू एज कलम टू माइनस कलम वन कलम थ्री चेंज एज कलम थ्री ये के स्क्वायर प्लस के कलम थ्री माइनस कलम वन क्या होगा के जीरो जीरो के स्क्वायर प्लस के ये आपका वन होगा ये जीरो हो जाएगा के स्क्वायर ये जीरो होगा ये के प्लस वन होगा Am I correct? तो डिटरमिनेंट कितना हुआ बस इतना ही के इंटू के प्लस वन इट इज गिवन 72 तो 8 इंटू 9 तो के का वैल्यू कितना हुआ 8 समझा कि नहीं और फिर समेशन में क्या प्रॉब्लम है फिर से हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन करके कर सकते हैं क्यों बायनोमियल अप्लाई क्यों करेंगे मतलब पूरा वो निकालने के बाद 2.3 का इतना जो भी बड़ा बड़ा पावर रहता है 2.3 नहीं अरे नहीं 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 ये 2.3 नहीं 2 इनटू 3 रेस टू के वो 2.3 नहीं है ठीक है ये अल्फा बीटा गामा ये होता है 2 इनटू 3 रेस टू के 16 इनटू 9 रेस टू के देन आपका 26 इंटू 27 रेस टू के अब होगा हाँ सर हो जाएगा हाँ ये 2.3 नहीं है गलत डन और कुछ है ओके नेक्स्ट इज द क्रेमर्स रूल व्हाट इज क्रेमर्स रूल This is the method to simplify linear equations. Okay. Simplification of linear equations using a determinant method is called Kramers. Okay. Or solution of linear, matlab linear of x, y, z. और लिनियर ऑफ एक्स एंड वाई ओके सेट ऑफ लिनियर इक्वेशंस है सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ लिनियर इक्वेशंस
यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड इज कॉल्ड क्रमर्स रूल. ये ऑलरेडी आप यूज किए होंगे स्कूल में, ठीक है? नहीं सर, नाम नहीं पता होगा, किया होगा. नाम नहीं पता होगा. ये जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 2x-3y = 5 and 7x + y = 6. ठीक है, हम इसको ये ऑलरेडी हम भी स्ट्रेट लाइन में यूज किए थे क्रमर्स रूल. इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले थे? इसको ऐसे हम जो स्ट्रेट लाइन में क्या किए थे, इसको आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा था 2-3-5 कर सकते हो, इसको -6 कर सकते हो. हम जो ये में किए थे 0 किए थे, ठीक है? तो x को हम प्लग किए थे, x का वैल्यू कैसे मिला था, इसका डिटरमिनेंट किए थे, याद है? x को प्लग करके ये दोनों का डिटरमिनेंट, ये कितना हुआ था 18 माइनस अप माइनस प्लस 5 अपॉन ये दोनों का डिटरमिनेंट, ये दोनों का डिटरमिनेंट, ये कितना हुआ 2+21. Is it? Yes, sir. तो इधर मैंने कुछ गलत किया क्या? 6 × 3 = 18. 18 + 5, correct ना? Sir, minus 18 आएगा. आ गया, आ गया. नहीं नहीं बराबर. 23/23, that became 1. Y का value कैसे हुआ था? Y को हम trust मतलब plug किए थे. इसका डिटरमिनेंट लिए थे ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में मैंने रखा था. तो -35 - 35 + 12 अपॉन वही डिटरमिनेंट मतलब वही वैल्यू जो एक्स के लिए मिला था, तो यू विल गेट -1. ऐसे किए थे, ठीक है? इसका मेथड एक्चुअल क्या होता है, आपका क्वेश्चन ऐसे दिया गया 2x-3y = 5, 7x + y = 6. इसका एक डिटरमिनेंट x एंड y का एक डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा कोफिशिएंट का, डेल्टा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा, व्हिच इज 2-3, 7, 1. x एंड y का कोफिशिएंट, और एक लिया जाता है डेल्टा 1 और डेल्टा x. डेल्टा x मतलब x कलम को रिमूव करेंगे, रिप्लेस x कलम विथ योर कांस्टेंट, ए कलम के साथ इसको रिप्लेस किया जाएगा. क्या होगा 5, 6 - 3, ये आपका डेल्टा x होता है. डेल्टा y, y कलम को रिप्लेस करेंगे विथ कांस्टेंट 2, 7. इसका वैल्यू कितना -5 - -6 नहीं होगा? नहीं नहीं, ये कांस्टेंट फॉर्मेट में रखोगे तो ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो साइक्लिक ऑर्डर में रखा था ना, इसलिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था -35, मैंने लेफ्ट टू राइट नहीं किया था. सर लीनियर इक्वेशन तो ax + by + c होता है ना? ax + by + c तो वो कांस्टेंट को ऐसे नहीं देखेंगे, तो c को माइनस राइट साइड लेके -1 बोलेंगे तो क्या गलत होगा? नहीं सर गलत नहीं होगा. हाँ तो इसका फॉर्मेट यही है कि आप राइट साइड में कांस्टेंट को रखो, तो आपको ये दिया जाता तो आप ऐसे ले लो,
अंदर माइनस फाइव माइनस सिक्स रखोगे क्या होगा, नेगेटिव फिर आ जाता है, वही आंसर आएगा बट उसका साइन चेंज होगा। इसमें कितना आ रहा है 21, ये क्या आ रहा है 5 प्लस 18, नहीं ये 23 नॉट 21, 2 प्लस 21 23, ये हो जाएगा, ये भी 23, ये आपका 12 माइनस 35 माइनस 23। वही देखो 12 माइनस 35 मिला कि नहीं मिला। हाँ सर, यहाँ पे आपको 2 प्लस 21 मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे देखो 5 प्लस 18 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यस सर, मैंने किया था पहले मेथड में, हम जो स्ट्रेट लाइन में यूज किए थे वही मिल रहा है। आप इसको अंदर ले लोगे, मतलब इसको माइनस फाइव माइनस सिक्स इसके हिसाब से करोगे तो एक माइनस तो बाहर आएगा ना, यहाँ पे जब माइनस फाइव माइनस सिक्स लिखेंगे तो माइनस तो बाहर आएगा, तो ये इसका वैल्यू -23 होगा। हाँ सर आप समझो। हाँ सर समझो, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ना। अब x क्या होता है, x होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा। यहाँ पे 23 अपॉन 23 दिस इज 1, here you are getting -23 upon, आप x के जगह 1 y के जगह -1 verify कर सकते हो, 2 ये +3 हो जाएगा satisfying, 7 -1 6। हम तो एक आप elimination method में किए थे ना, मतलब स्कूल में इसको eliminate कर दो, 3 multiply करके eliminate कर दो, y एलिमिनेट करके x वैल्यू निकाल दो, x का वैल्यू यूज करके y का वैल्यू निकाल दो, ठीक है सर। ये थ्री वेरिएबल्स के लिए भी आता है। हां आता है ना थ्री वेरिएबल्स के लिए। हां हां मिलता है, ये आपका जो स्कूल लेवल में शायद ये पढ़े होंगे 2x2 का। हां सर ओके, अब 3x3 रहेगा तो कैसे रहेगा, लेट अस टेक a1x प्लस b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y। आपका थ्री वेरिएबल मतलब थ्री इक्वेशंस होना चाहिए, b3y plus c3z equal to d3, इसको बोला जाता है सिस्टम, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। इसको फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा, डेल्टा क्या होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 देन find out delta x, what is your delta x, replace your x column with constant, kya milega d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 delta y kya hoga, y कॉलम को रिप्लेस करेंगे a1 a2 a3 उसके बाद d1 d2 d3 c1 c2 c3 then find delta z, योगा a1 a2 मतलब z कॉलम को रिप्लेस करेंगे, a3 b1 b2 b3 d1 d2 करेक्ट। अब x क्या होगा, डेल्टा x अपन डेल्टा, y होगा डेल्टा y अपन डेल्टा, z होगा डेल्टा z अपन, तो ये जो x y z का वैल्यू हम निकाल रहे हैं यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, दिस इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल।
यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, जब एक्स एंड वाई टू डी में होता है तो ये स्ट्रेट लाइन देता है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना। थ्री डी में होगा तो इसको कौन सा इक्वेशन क्या बोलते हैं, ये किसका इक्वेशन, ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। थ्री डी होगा तो ये प्लेन का इक्वेशन होगा, टू डी जब एक्स एंड वाई रहता है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट एक्स वाई जेड। बट आपका एंट्रेंस लेवल में ये तो बोर्ड के लिए ठीक है, बोर्ड के लिए पूछता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, सॉरी यूजिंग क्रेमर्स रूल, तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। बट एंट्रेंस लेवल में इसका क्या यूज है, क्योंकि चार चार डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के फाइंड करना इट इज टू डिफिकल्ट ना, लेंथी होता है, आपको चार डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ता है, एक दो तो नहीं ना, फोर डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ता है। इससे अच्छा एलिमिनेशन मेथड ही तो बेटर रहेगा टाइम कंजम्पशन के हिसाब से, ओके इसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो एंट्रेंस में आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो वो तो नहीं है, मतलब थोड़ी उनको पता चलता है आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। सेकेंड, आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू कभी एंट्रेंस में पूछेगा क्या, आपको ऐसे इक्वेशन दिया जाएगा पूछेगा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो, कभी होगा क्या? तो जो भी ऑप्शन दिया जाएगा उसको यूज करके आप वेरीफाई कर सकते हो। हाँ सर, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसका जो इसका कुछ एप्लीकेशंस होता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये मेथड टू फाइंड आउट और टू सॉल्व योर एक्स वाई जेड इक्वेशन को सॉल्व करना मेथड इज द क्रेमर्स रूल, बट इसका कुछ एप्लीकेशन कुछ प्रॉपर्टीज होता है वो यूजफुल होता है, वो एंट्रेंस बेस में आता है। ऐसा नहीं आता है कि फाइंड एक्स वाई जेड का वैल्यू यूजिंग क्रेमर्स रूल, बोर्ड में आएगा, बोर्ड में पूछता है कि यूजिंग क्रेमर्स रूल फाइंड एक्स वाई वैल्यू और सॉल्व और एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो आपको ये मेथड यूज करना सर। मतलब इसका यूज यहाँ पे कम होगा ना अपने लिए? नहीं नहीं बहुत है, बहुत है। फिलहाल ये समझ में आया? हाँ सर। प्रॉपर्टीज नहीं बताया, प्रॉपर्टीज बताएंगे तो पता चलेगा कैसे क्वेश्चन है। राइट डाउन व्हाट इज क्रेमर्स रूल। सर ये सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के लिए होगा ना? ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन के लिए वैलिड होगा ना? हाँ, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक के लिए नहीं होगा, मतलब डिग्री टू के लिए नहीं होगा, डिग्री थ्री के लिए नहीं होगा। हाँ, सपोज सब में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ऐसा है तो यूज कर सकते हो, दैट टाइम x स्क्वायर का वैल्यू आपको मिलेगा। सपोज x के जगह x स्क्वायर, तो आपका क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7z स्क्वायर इक्वल टू, लेट अस टेक ऐसा ऐसे तीन इक्वेशन, तो x स्क्वायर को मैं x मान ले सकता हूँ ना? हाँ सर। हाँ, तो फिर लीनियर जैसा करके करेंगे तो जो एक्स वाई जेड का वैल्यू एक्चुअली वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू होगा, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर एक्स वाई ऐसा नहीं होगा सर। क्यूबिक में भी ऐसे ही होगा? हाँ, बट डिग्री डिग्री टू आपका ऐसा आता है ना, दिस इज दिस वन आल्सो डिग्री टू। हाँ हाँ सर। हाँ, ऐसा रहेगा तो फिर नहीं कर पाओ, ठीक है।
सर एक मिनट। डन। 2 मिनट सर। 2 मिनट सर।
डन सर, 2 मिनट सर। ओके प्रॉपर्टीज इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा जब नॉन जीरो होगा तो आपको एक्स देन सिस्टम मतलब ये पूरे सेटअप इक्वेशंस, इसको सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड का एक ही सेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, एक एक्स वैल्यू, एक वाई वैल्यू, एक जेड वैल्यू, एंड सिस्टम इज कॉल्ड consistent. Okay. तो आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन कैसे आता है, जो एबीसी आपको दिया गया इसमें कोई एक अननोन रहेगा, एबीसीडी जो वैल्यूज के जगह कोई एक अननोन रहेगा, बाकी सब नोन हो जाएगा, और पूछेगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दैट अननोन सिस्टम बिकम कंसिस्टेंट और सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो टाइम पर डेल्टा को नॉन जीरो करना पड़ेगा, तो सेटअप आपको मिलेगा, जो अननोन का वैल्यू आपको मिलता है मिलेगा, नहीं तो मतलब ये नहीं होगा तो बाकी के लिए आपका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। मिड टू डायमेंशन यूज करूंगा, स्ट्रेट लाइन यूज करूंगा, तो आपका स्ट्रेट लाइन कैसे होना चाहिए, आपका स्ट्रेट लाइन कैसे होना चाहिए, सो दैट बोथ द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो इंटरसेक्ट लाइन होना चाहिए, सो दैट आपके पास एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, दो जर सेटिस्फाइंग बोथ द स्ट्रेट लाइन, नॉन पैरेलल लाइंस, ओके, और इंटरसेक्टेड लाइन मिलेगा। 3D होगा तो 3D मतलब ये 3D इक्वेशन, क्योंकि एक्स वाई जेड इज देयर, 3D इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। 3D केस होगा तो कैसे होगा, आपका तीनों प्लेन कैसे होना चाहिए। 2D केस में दो स्ट्रेट लाइन दिया जाता है, 3D केस में 3 प्लेन्स होता है, तो आपका इक्वेशन कैसे होना चाहिए, मतलब कैसे ग्राफिकली कैसे दिखता है, सो दैट आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये लेट P1 नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये P2
और एक ये पी थ्री, ये तीनों प्लेन एक पॉइंट पर मीट करेंगे, उनका कॉमन पॉइंट एक ही पॉइंट होगा, सो दैट सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। एंड जब सिस्टम का सॉल्यूशन मिलता है देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ओके, समझा कि नहीं? सर आपने इनकंसिस्टेंट का क्या बोला? सर एक और बार बोलो ना। सिस्टम का जब सॉल्यूशन मिलता है देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, क्वेश्चन पूछता है कि कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, तो जब सॉल्यूशन मिलता है देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन जब नहीं मिलता है देन सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सपोज डेल्टा आपका जीरो हो गया, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, इससे कम से कम एक नॉन जीरो होगा, तो if delta equal to zero but at least one of delta x or delta y or delta z is non zero then kya hoga, suppose delta x non zero to ye kya hoga, something by zero hoga, ha sir, something by zero matlab undefined hoga, ha sir, to x ka value aapko nahi milega, matlab aapko solution set nahi milega। ठीक है, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा एंड सिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। एक केस में आपका स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, पैरेलल, यस, एक केस में बोथ द लाइंस क्या होगा, पैरेलल टू, हियर एल वन पैरेलल टू, प्लेन केस में क्या होगा, सर कोई भी एक परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, कोई भी एक प्लेन दोनों से परपेंडिकुलर नहीं होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यों आ जाता है, परपेंडिकुलर क्यों आ जाता है, मतलब मैं समझ में नहीं आया, वो भी बताया कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, प्लेन सिर्फ परपेंडिकुलर होता है क्या, आप प्लेन मतलब एक बुक को खोल मतलब ओपन करके रखो, ओके, दो पन्ने मतलब बुक का दो पन्ने, जरूरी है क्या वो दोनों परपेंडिकुलर होगा, नहीं, हाँ तो परपेंडिकुलर कहाँ से आ जाता है, तो आपका प्लेन पैरेलल होगा, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, ये P1, ये P2, मतलब दो ये और एक P3 ऐसे रहा, मतलब वो एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, हाँ तीनों का कॉमन सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैंने क्या रखा, P1 पैरेलल टू P3 बट P2 कुछ अलग है, P3
इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तभी भी चलेगा, नहीं तो तीनों के तीनों पैरेलल हो जाएंगे तब भी होगा। तीनों में कॉमन सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, बराबर। क्या सर? सर तीनों अगर जॉइंट होंगे क्या हुआ? सर रिपीट करोगे? कहाँ चला जाता है? तीनों प्लेन के बीच में कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होना चाहिए तीनों में, दो में होगा भी चलेगा, तीनों में होगा तो तीनों में कॉमन सोल्यूशन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे तीनों में एक ही पॉइंट, यहाँ पे एक ही पॉइंट था, तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे और टच कर रहे थे। इसमें ये दोनों में देखो कितने सोल्यूशन, ये दोनों में This is the common line for both the plane. कितने सोल्यूशन है? सोल्यूशन मीन्स वर्ड एक्स वाई जेड का वैल्यू, इसमें कितने सारे एक्स वाई जेड का वैल्यू रहेगा, कितने सारे एक्स वाई जेड मतलब एक एक पॉइंट, इसमें कितने सारे पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ P1, P2 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बट P3 इसके साथ दोनों में कोई कॉमन नहीं है। सर अगर P3 भी जॉइन होगा फिर भी नहीं होगा। P3 अगर P3 भी जॉइंट होता, हाँ ऐसे भी कर देंगे, हाँ तभी भी नहीं मिलेगा। यस ऐसे भी कर देंगे P3, देन आल्सो देन आल्सो विल नॉट गेट एनी सॉल्यूशंस, मतलब तीनों में कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। yes. तीनों में सोल्यूशन होगा तो तीनों में कॉमन होगा तो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो एक्स वाई जेड तीनों में सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसका मतलब तीनों प्लेन में कॉमन पार्ट होना चाहिए, कुछ तो कॉमन पॉइंट होना चाहिए। सपोज सबके सब जीरो हो गया, डेल्टा जीरो, डेल्टा एक्स भी जीरो, डेल्टा वाई भी जीरो, डेल्टा जेड भी जीरो, तब क्या होगा? जीरो बाय जीरो क्या होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, ये केस में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिले। Then system has infinite number of solutions. तो system को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका सोल्यूशन है। ओके, तो इसमें स्ट्रेट लाइन कैसे दिखता है? दोनों को इनसाइड करते हैं। यस, बोथ द लाइंस विल बी कोइंसाइड ईच अदर, मतलब दोनों लाइन सेम हो जाना चाहिए। L1 सेम एज ना, तो हियर L1 सेम एज L2। प्लेन केस में क्या होगा? प्लेन केस में क्या होगा? P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 हो सकता है, और बुक का तीन टी पेजेस भी हो सकते हैं, तभी भी होगा। चलेगा?
प्लेन वन, ये प्लेन टू, ये प्लेन थ्री, तो एक वन इंटरसेक्शन लाइन मिल रहा है ना तीनों के लिए, तो कितने सारे सोल्यूशन हो जाएंगे? आपको दिस इज द कॉमन लाइन फॉर ऑल द टेंस, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। समझाइए, पैरेलल हो सकते हैं तीनों के, सॉरी तीनों के तीनों प्लेन सेम प्लेन हो सकते हैं, नहीं तो तीनों प्लेन का एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। समझा? एंड दिस इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, द सेट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इफ योर सिस्टम हैविंग infinite number of solutions, then the system is called non-trivial solution. This case is the non-trivial case of non-trivial solution. The trivial solution किसको बोलते हैं? Finite solution. Finite? नहीं नहीं If x equal to 0, y equal to 0, z equal 0, then मतलब जब ओरिजिन पर पास करता है, ओके, then the solution, then solution set is called trivial solution. एक केस में क्या मिलेगा आपको? डेल्टा एक्स जीरो होना चाहिए, डेल्टा वाई भी जीरो होना चाहिए, डेल्टा जेड भी जीरो होना चाहिए, बट डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, होगा ना? डेल्टा एक्स जीरो होगा, डेल्टा नॉन जीरो होगा, तो एक्स वैल्यू जीरो हो जाएगा, वाई का वैल्यू भी जीरो होगा, जेड का वैल्यू जीरो होगा। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों जीरो हो जाना चाहिए, डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। Whenever x, y, z तीनों का वैल्यू जीरो होता है, then the solution set is called trivial solution. जब infinite number of solutions आता है, then it is called non-trivial solution. जब डेल्टा जीरो होता है, but डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में कम से कम एक नॉन जीरो होता है, then the system has no solution and it is called inconsistent. नहीं, डेल्टा नॉन जीरो हुआ, यूनिक सोल्यूशन आपका रहेगा। समझ में आया? तो इस कंसेप्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किसको नहीं समझा तो बताओ।
are touching and one is not, then can they ask to find solution of those two of which are touching? नहीं, ऐसा नहीं होता है. आपका सिस्टम का सोल्यूशन जब पूछता है तो तीनों में सेटिस्फाई होना चाहिए. दो में सेटिस्फाई हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं. सोल्यूशन मतलब तीनों में होना चाहिए, तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए. Yes. हाँ, सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ इक्वेशंस हो सकते हैं, बट आप कोई भी डिटरमिनेंट आपका सिलेबस में नहीं है ना. सिलेबस में अप टू 213, तो आपका 4 by 4 का अभी तक नहीं मिला ना हमें. 3D के बाद क्या होता है, कौन सा D होता है? हम 4D कहाँ अभी तक मतलब ये क्या है? ये आपको भी प्रॉपर्टीज तो मतलब लग सकती है ना उन पर भी अगर 4 इक्वेशन होगा. अब तो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे ना. हमारे पास तो मैक्सिमम 3D करते हैं, 2D नहीं तो 3D. अब 4x4 डिटरमिनेंट आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके लिए फिर 4D होना चाहिए. डायमेंशन का ग्राफ कैसे होगा, मतलब क्या ये होगा? बट ये सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट ग्राफिकली हम कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर बता नहीं पाएंगे. डन सर, एक मिनट. ओके सर, एक मिनट. सर, फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्यूशन मिलता है वो नॉन ट्रिवियल होता है ना? नहीं, वो केस दैट
तो सुपरसेट ऑफ ट्रिवियल भी, और मतलब ट्रिवियल में एक ही केस होता है जो तीनों को जीरो करता है, उसमें भी आ सकता है। फर्स्ट केस नॉन ट्रिवियल नहीं है। नॉन ट्रिवियल किसको बोलते हैं? जब इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड केस इज द नॉन ट्रिवियल। फर्स्ट केस क्यों नॉन ट्रिवियल होगा? फर्स्ट केस में तो डेल्टा जीरो, सॉरी नॉन जीरो। डेल्टा जब नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये क्यों नॉन ट्रिवियल होगा? हाँ, इसके अंदर ट्रिवियल सॉल्यूशन आ सकता है। ट्रिवियल में क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों जीरो होना चाहिए, दैट इज द पर्टिकुलर केस। If C less than 0 and system of equation is consistent, then find the possible real values of B. Sir, एक बार खाली third point दिखा सकते हैं?
डन, 1 मिनट सर। क्या मिला? तीनों का आप ऐसे देखोगे, जेड नहीं है, ओके, जेड नहीं है, तो आप एक्स प्लस वन y is equal to 1 लिख सकते हो, 2x minus y equal to c लिख सकते हो, bx minus 3by equal to minus c लिख सकते हो। तो consistent solution कैसे कब होगा, consistent कब होगा ये? एक सोल्यूशन आएगा तभी। क्या क्या होगा? नहीं, आप ग्राफिकली देखोगे तीनों थ्री स्ट्रेट लाइन हो गया ये, क्योंकि जेड नहीं है आपके पास, थ्री स्ट्रेट लाइन हो गया, तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन कब होगा? सिस्टम हैज कंसिस्टेंट सोल्यूशन। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक कॉमन पॉइंट होगा। हां सर, कंकरेंट होना चाहिए, यू नो कंकरेंट होना चाहिए। जब थ्री स्ट्रेट लाइंस आर कंकरेंट देन क्या होता है, क्या कंडीशन आया था? इफ a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, वो तीनों फैमिली ऑफ लाइंस होती है। हां, b2y plus c2 equal to 0, a3x plus b3y plus c3 equal to 0, if three straight lines are concurrent, then क्या condition मिला था?
पेटलन में क्या कंडीशन मिला था? आपके पास दो मेथड था, कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करो, थर्ड में वो सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं तो इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, इसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाना चाहिए। समझा? If three straight lines are concurrent, ये result था ना, determinant equal zero. नहीं, आप इसको PD मान के चलोगे तो आपको ये केस में क्या मिलेगा? वन वन, आप प्लस वन करो कि माइनस वन करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड आपका जीरो हो रहा है। आप ये तीनों स्ट्रेट लाइन का डिटर्मिनेंट जीरो कर सकते हो। टू माइनस वन माइनस सी, और एक बी माइनस थ्री बी सी, इसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, ये जब मैंने टू डी सोच के किया, नहीं आप थ्री डी सोच के करोगे तभी भी होगा। आप क्या कर सकते हो, जेड जेड वाला नहीं ना, जेड का कोएफिशिएंट को जीरो करो। फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जीरो इंटू जेड इज इक्वल टू वन, हमें करेक्ट x प्लस वाई इक्वल टू वन, तो मैंने कर दिया x प्लस वाई प्लस जीरो इंटू जेड इक्वल टू वन। सेकेंड इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया 2x माइनस वाई प्लस जीरो इंटू जेड इज इक्वल टू सी। थर्ड इक्वेशन को क्या बी एक्स माइनस थ्री बी वाई, बी एक्स माइनस थ्री बी वाई प्लस जीरो इंटू जेड, ऐसा कर सकते हैं। इसका डेल्टा डेल्टा क्या होगा, इक्वेशन का डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा क्या होगा? ठीक है, डेल्टा क्या होगा, वन वन जीरो, टू माइनस वन जीरो, बी माइनस थ्री बी जीरो, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो जीरो, पूरा एक कलम जीरो हो गया ना, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। तो डेल्टा वन कितना होगा और डेल्टा एक्स कितना होगा, जीरो होगा। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा वाई भी जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई में क्या रहेगा, ए कलम तो रहेगा ही रहेगा ना, जेड कलम तो रिप्लेस नहीं हो रहा है। हाँ सही, तो आपको जीरो दे देगा, डेल्टा जेड लेकिन रिप्लेस कर रहा है। डेल्टा जेड क्या होगा, वन वन वन, टू माइनस वन सी, देन बी माइनस थ्री बी, ये होगा डेल्टा जेड। हाँ सर, जब डेल्टा जीरो हो गया, डेल्टा एक्स भी जीरो हुआ, डेल्टा वाई भी जीरो हुआ, एंड सिस्टम हैविंग कंसिस्टेंट, सिस्टम इज योर कंसिस्टेंट, तो डेल्टा जेड को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। वेरी गुड, जीरो होना पड़ेगा सर। हाँ सर, नॉन जीरो होगा तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा ना। हाँ सर, हाँ सर, सॉरी, थ्री प्रॉपर्टीज ओनली, फोर्थ वन तो ट्रिवियल सॉल्यूशन उसका तो ये नहीं। जब डेल्टा जीरो होता है, जब डेल्टा नॉन जीरो होता है, सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। डेल्टा जीरो हुआ, कोई एक नॉन जीरो हुआ, देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। सबके सब जीरो हो गया, देन आल्सो इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। क्वेश्चन दिया गया कि कंसिस्टेंट, आपके पास डेल्टा जीरो हो गया, डेल्टा एक्स जीरो हुआ, डेल्टा वाई जीरो हुआ, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड यू विल गेट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, जीरो होगा, जीरो, डेल्टा जेड जीरो हो जाना चाहिए। अ सिस्टम इज कंसिस्टेंट
दो तरीके से कंसिस्टेंट होता है, एक डेल्टा नॉन जीरो होने से होता है, नहीं तो सबके सब जीरो होने से होता है। देन डेल्टा जेड मस्ट बी जीरो। देखो इधर भी वही केस आया था, चेक करो, वन वन यहाँ पे साइन सबका चेंज हुआ है, चेक करो, ये माइनस वन माइनस सी प्लस सी, ये वन सी माइनस सी, तो माइनस कॉमन रखेंगे तो यही आ जाएगा ना, ए डिटरमिनेंट हो जाएगा ना, बाकी तो बराबर है। इफ यू टेक फ्रॉम थर्ड कॉलम, इफ यू टेक माइनस कॉमन, देन ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो जीरो के साथ माइनस मल्टीप्लाई करने से तो कोई आंसर चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, तो दो बोथ द डिटरमिनेंट रिमेन, वैल्यू ऑफ बोथ द डिटरमिनेंट रिमेन सेम, तो दोनों केस में आपको वही आंसर मिला, आपको ये डेल्टा मतलब ये डिटरमिनेंट को आपको जीरो करना पड़ेगा। एक्सपेंड कर दो, क्या मिलेगा, सी प्लस थ्री बी सी, देन माइनस वन इंटू माइनस टू सी मतलब प्लस टू सी प्लस बी सी, देन प्लस वन इंटू ये आपका माइनस सिक्स बी प्लस बी मतलब माइनस फाइव बी, ये आपका जीरो होना चाहिए। इंप्लाइज व्हाट, क्या मिला, 4bc minus 5b minus 3c, 3c plus 4bc minus 5b, है ना, equal to 0, okay. implies ये दोनों से c common ले लो, क्योंकि आपका c value आपके पास कुछ है, c less than 0 दिया गया, तो दोनों से c common रखोगे तो आपको मिलेगा 3 plus 4b is equal to 5b, तो C क्या मिला, 5B upon 3 plus 4B, तो ये आपका less than 1 होना चाहिए, आज C less than 1 implies cross multiply करेंगे, नहीं सर minus 1 करेंगे, minus 1 करेंगे, then 5B upon 3 plus 4B माइनस वन लेस देन जीरो, तो बी माइनस थ्री अपॉन थ्री प्लस फोर बी लेस देन जीरो, तो बी का वैल्यू एक थ्री मिला, एक मिला माइनस थ्री बाई फोर, इफ यू यूज वेविकर मेथड देन प्लस माइनस प्लस, तो बी का रेंज क्या मिला, थ्री बाय माइनस थ्री बाय फोर से लेके थ्री तक, तो दिस इज द आंसर। ये बेटा आपको कैसे मिला, बहुत जल्दी भी मिला था, कैसे मिला? हाँ सर, मैंने ठीक से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं और आधा अधूरा पढ़ के मैंने निकाल दिया, बाद में मुझे बीच में समझ आया कि गलत है। आपने जब दो स्टेप्स किया उसके बाद मुझे याद आया कि हाँ मैंने गलती कर दी। समझाइए। हाँ सर समझ। किसी को नहीं समझा तो बताओ। आप एक कंसेप्ट यूज कर सकते हो कि तीनों स्ट्रेट लाइन, मैं स्ट्रेट लाइन के हिसाब से जाऊंगा तो यू कैन यूज द कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन तीनों का, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट, तीनों लाइन क्या होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए, तीनों का एक ही सोल्यूशन होना चाहिए, कंकरेंट के लिए आपका डिटरमिनेंट जीरो होता है, दैट यू कैन यूज, और आप थ्री डी रखोगे तो जेड का कोएफिशिएंट को जीरो कर दो सबका, इसके हिसाब से भी आप ये डिटरमिनेंट आपका जीरो हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन इसी हिसाब से आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपका फाइंड एक्स वाई जेड का वैल्यू यूजिंग क्रेमर्स रूल, राइट, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ये नहीं तो कंकरेंट वाला, नहीं तो ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो।
सर एक सेकंड, सर थोड़ा ऊपर, सॉल्व दिस वन।
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या होना चाहिए? डेल्टा जीरो, क्योंकि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों जीरो हो चुका है, ठीक है ना? पूरा कांस्टेंट टर्म नहीं है, जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या होगा, एक कलम पूरा जीरो हो रहा है, मतलब कांस्टेंट टर्म का जो कलम है ना वो जीरो हो रहा है, तो डेल्टा एक्स जीरो होगा, डेल्टा वाई जीरो होगा, डेल्टा जेड ऑलरेडी जीरो हो चुका है। कि तीनों ऑलरेडी जीरो हो चुका है, आपको क्या देखना है, डेल्टा को जीरो करना है, और ये जो डेल्टा, ये तीनों का डिटरमिनेंट, तो मैं इसके साथ पहले जाता हूँ, टू थ्री वन, देन लैम्डा प्लस थ्री, लैम्डा प्लस टू वन, देन थ्री लैम्डा प्लस थ्री, ठीक है? तीनों वन मतलब दो तो जीरो बना सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब मैं रो टू चेंज एज रो टू माइनस रो वन, और रो थ्री ये जीरो होना चाहिए, और रो थ्री चेंज एज रो थ्री माइनस रो वन, क्या होगा, टू थ्री वन, ये आपका लैम्डा प्लस वन, लैम्डा माइनस वन, जीरो, देन वन, लैम्डा बिकम जीरो, तो वन एंड टू, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्या सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, कैसे प्लस माइनस वन? हे भगवान, नो रियल सॉल्यूशन, नहीं सर, आई नो रियल सॉल्यूशन, लैम्डा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, रियल वैल्यू जो लैम्डा पूछ रहा है, किसी को वन मिल रहा है, किसी को प्लस माइनस वन मिल रहा है, क्या करें, नो रियल वैल्यू जो फ्रॉम, तेज आजकल क्या हो रहा है तेरा, समझा? हाँ सर, तो क्वेश्चन आपको इसी हिसाब से मिलेगा, ठीक है? तो दैट थ्री प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग का डिटरमिनेंट हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास मैट्रिसेस करेंगे, मैट्रिक्स करेंगे। सर और कितने लेक्चर्स लगेंगे? और टू लेक्चर्स, ओके सर, थैंक यू, और ट्राई करेंगे दो लेक्चर में खत्म करने का। हाय सर, आपको और डिटरमिनेंट क्वेश्चन करना है कि बुकलेट से करो, बुकलेट मॉड्यूल से कौन सा ये किए, मॉड्यूल से अभी तक नहीं चैप्टर किया है, तीन चैप्टर किया है, एंड एक्सरसाइज 1 आई थिंक पूरा डिटरमिनेंट है, कोई तो एक डिटरमिनेंट पूरा है, एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट वाला ना देख के कर लेंगे सर, जितने डिटरमिनेंट क्वेश्चन है ना सब कर लो, ओके सर, ओके सर, मैट्रिक्स क्वेश्चन को छोड़ के जितने सारे डिटरमिनेंट क्वेश्चन सब कर, ओके सर, चलो थैंक यू सर, मैट्रिसेस अभी बाकी है, हां बाकी है, ओके सर, हम आधा में छोड़ मतलब गए थे ना, अच्छा हाँ सर, आधा हुआ है, आधा बचा, चलो बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय।